घर यूक्रेन की स्थिति कही जी है तो घर पहुँच के उसनों खुशी भी हो रही है। तो गलबात के दौरान की कुछ जानवी खुरान का कहना एक चाह तो दरमा लें। रूस और यूक्रेन के बीच तुम देखिए कि इस समय काफ़ी हिंसा चल रही है और उत्थे का किस तरह का माहौल है वो वास्ते भी असं जानने की कोशिश करा, लेकिन तुम्हें असं दस दिए कि जेडे कि यूक्रेन के जोड़े विद्यार्थी फसे हुए सन वो अज साडे नाल मौजूद है MBBS की पढ़ाई करती पी है लड़की ये, और जानवी तो जानने की कोशिश करा। जानवी किस तरह के उतों के माहौल है, किन्नी देर होगी तुम गए? मैं उधर अक्टूबर में गई थी और मैं वहाँ पे अभी मेरे को तीसरा साल है वहाँ पे। वहाँ माहौल बिल्कुल ठीक था, मतलब आज सुबह से पहले तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक था, कोई नॉर्मल बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी पैनिक सिचुएशन नहीं था। आज सुबह ही अचानक से ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मतलब बम ऐसा टाइप हुआ है कुछ, बट कल तक वो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन थी, मैं खुद कॉलेज जा रही थी, मैं खुद कल अभी आई हूँ वापस, ऐसा सिचुएशन। होर पूछना चाहवांगी उत्थे तुसी किन्नी देर तो हैगे हो, किहड़ी स्टडी करदे पए हो, उहदे बारे वी तुहानूं असीं जानण दी कोशिश करांगे, और हुण दा जिहड़ा माहौल है उत्थों दा किस तरह दा बणिआ? मैं वहाँ पे 3 साल से पढ़ रही थी, मैं वहाँ पे MBBS कर रही हूँ, और वहाँ पे मतलब माहौल अभी इस वक्त तो बहुत पैनिक सिचुएशन है, लेकिन पेरेंट्स को भी पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे, वो बच्चों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का पूरा पूरा पूरी तैयारी कर रहे हैं, इवैक्यूएशन की तैयारी हो रही है, ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आज थोड़ा सिचुएशन खराब है। दिक्कत परेशानी की उत्थे आ रही है तुहानू कि जिहड़ी उत्थे दिक्कत परेशानी स्टूडेंट्स नू आ रही है, क्योंकि लगातार असीं देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया ते भी देख रहे हैं, इस समय काफ़ी हुमर भी फैल रहा है, और तुसीं की कहना चाहोगे किस तरह की उत्थे स्थिति है, बच्चे उत्थे दे किद्दां दे घबराए हुए हैं? बच्चे आज थोड़ा घबराए हुए हैं क्योंकि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, एयर स्पेस बंद हो चुकी है, तो इसलिए वो वापस इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, बट इंडियन एम्बेसी उनको इवैक्यूएट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इवन उनको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लेके जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल सेफ सिचुएशन है। थोड़ा हाँ ये है कि थोड़ा वाटर जैसे पानी वगैरह स्टोर करके रखना, थोड़ा ग्रोसरीज वगैरह पहले ही लेके रखनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो जाएं या वाटर अवेलेबल ना हो, तो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सबको बोला हुआ है कि अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, आज से यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन वगैरह हो चुकी हैं, तो एज सच मतलब ऐसे प्रिकॉशंस लेने को बोला गया है, वही थोड़ा बहुत डर है बच्चों के अंदर। एक गल होर पूछना चाहूँगा, जेडे उ फ्रेंड सर्कल होएगा या तो उतों के निवासी होणगे, उत्थे रहने वाले होणगे, उन्होंने भी गलबात होंगी होएगी, वो किस तरह देखते पे ने इस युद्ध नूं, की कहना चाहूँगा? वो अभी तो सब पैनिक है, इस वक्त ऑन द स्पॉट सब पैनिक है क्योंकि सुबह सुबह सबको जैसे आवाज़ें सुनने को मिल रही थी बॉम्ब वगैरह की। हाँ ये है कि सिविलियन एरिया में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, जो भी डैमेज है वो बॉर्डर्स पे ही है, कोई एक भी सिविलियन को हर्ट नहीं हुआ है, कोई भी सिविलियन वहाँ पे मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वही पैनिक ऐसा करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिविलियंस हर्ट नहीं होंगे, जो भी होगा बॉर्डर पर ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बॉम्ब के कारण हो जाता है पैनिक सिचुएशन, वही है, वो लोग भी पैनिक कर रहे हैं, वो लोग अभी ग्रोसरीज कलेक्ट कर रहे हैं, वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि उत्थे पानी की कमी आ चुकी है, और उत्थों के जो निवासी है जो उत्थे फसे हुए हैं भारतीय, जो फ्रेंड सर्कल भी होएगा जो उत्थे पढ़ते हो, कह रहे हैं इस समय उन्होंने डर कि फैलिया हुआ? अभी वो लोग सब अपने घर में हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बस यूक्रेन, हाँ जी यूक्रेन में अपने अपने घरों में हॉस्टल्स में वहीं पे हैं, तो वहीं बस अपडेट्स का वेट कर रहे हैं, एम्बेसी जितना अपडेट कर दे, अभी रिसेंटली एम्बेसी ने अपडेट किया, एम्बेसी बहुत हेल्प कर रही है, वो इवैक्यूएशन भी करवाने वाले हैं, वो कह रहे हैं हम बहुत जल्दी इवैक्यूएशन करवाएंगे, वहाँ के मिनिस्ट्री सब हेल्प कर रहे हैं। तो अभी चाहूँगे जो कि उत्थे देखा जा रहा है कि हूँ ऑनलाइन जो टिकट वाले है उन्होंने रेट भी चक दते हुए हैं, तो कितना कि अमाउंट खर्च के इतने पहुंचे हो, कितनी दिक्कत परेशानी आई? अभी तो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, सब कोई भी फ्लाइट नहीं आ रही है, लेकिन हाँ जब पहले जब फ्लाइट आ रही थी, जब जैसे मैं आई तो फ्लाइट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, लाइक लैक्स तक में चली जा रही थी कई फ्लाइट्स, तो वही है कि उस टाइम पर कई बच्चे आना चाहते थे लेकिन ना नहीं पाए फ्लाइट्स के प्राइसेस के कारण, तो वही सीन अभी चल रहा है। कितने स्टूडेंट उत्थे तुहाडे नाल वापस आए ने, इत्थे जिहड़े उत्थों तुरे सीगे ते इत्थे तक पहुंचे, अपने देश पहुंचे ने? जो इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट्स चलाई थी वो तो 24 और 26 को चलनी थी, तो 22 वाली फ़्लाइट में मैं आई, उसमें तो आई थिंक 250 बच्चे आए थे मेरे साथ, बाकी नॉर्मल जो एयरलाइंस थी लाइक फ्लाई दुबई कतर उन सब में भी बच्चे आ रहे थे। 24 वाली फ़्लाइट आज तो शायद नहीं चल पाई क्योंकि वहाँ पर पैनिक सिचुएशन हो गई है, तो ऐसे मतलब बच्चे बाकी एयरलाइन से भी आ रहे थे नॉर्मल फ्लाइट्स में, तो इसलिए बच्चे वापस आना चाह रहे हैं, बच्चे डरे हुए ने उत्थों दे, एक जाते जाते दर्शकों दस दो कि उत्थों का जो माहौल है इस समय की बनया हुआ है,
और पानी की जिदा तुम समस्या दसी वह आ चुकी है, ऑनलाइन जोड़े रेट बच चुके हैं, होर किस किस तरह की समस्या ने, क्योंकि तुम वापस आए होंगे तो उतों के फोन भी आए हो। मतलब एज सच उनको सिर्फ यही अभी क्योंकि कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, कल तक तो कोई समस्या नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आज अचानक से वो बॉम्ब वगैरह के कारण थोड़ा बस पैनिक सिचुएशन ही हो गई है। और एज सच वो लोग मतलब ये है कि बस कलेक्ट करके उनको अपने घर में रहने का बोला गया है। एम्बेसी ने यही बोला है कि जहाँ पे हो, जो जहाँ पे है वो वहीं रहे, जो इवन ट्रैवल कर रहा है वो अपने खुद अपने घर में चले जाए, बस वापस बाहर ना ज्यादा निकले। तो यही है कि ट्रैवलिंग वगैरह बंद हो चुकी है टोटल। पासपोर्ट दिखा सकते हैं हमारे को कि जिस तरह वापिस आए, सो तुम देख सकते हो ये पासपोर्ट है जेड़ा कि जानवी का पासपोर्ट है, जेड़ा कि यूक्रेन तो आई लड़की जी तुम देख सकते हो, ये लड़की है जी कि हमने यूक्रेन तो वापस आई है। और काफ़ी घर के भी इन्हें परेशान सन कि बच्चा जरा आना चाहिए सी घर। अगर अगर गल करिए इस समय जाते जाते साढ़े दर्शकों को कहना चाहोगे, तुम उत्थे कि जगह पर तुम रेंदे सी, उतों का माहौल की? मैं खारकिव रीजन में रहती थी, खारकिव बॉर्डर लाइन एरिया है, तो बट स्टिल वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कुछ नहीं था, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। इवन क्या कहते हैं, मतलब जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई वॉर वगैरह नहीं होगी, ये सडन अटैक हुआ जो हुआ, तो इसलिए ऐसा तब तो पैनिक नहीं था, अब थोड़ा पैनिक सिचुएशन है क्योंकि अब बॉम्बिंग हो रही है। हाँ जी, आपके फ्रेंड्स भी डरे होंगे? हाँ जी, अभी वो डरे हुए हैं। तो वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी, जरूर वापस आना चाहते हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लगता है अगर ऐसा कोई वॉर सिचुएशन हो जाती है तो। स्टडी तो खराब होगी ना आपकी? हाँ जी, स्टडी खराब हो गई है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो जाएगी, फिर उसके बाद हो सकता है ऑनलाइन भी ना हो, अभी स्टडी का कुछ भी हम बता नहीं सकते। जानवी तो होर भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिस तरह की लगातार उत्थे दिक्कत परेशानी पानी की दिक्कत आ चुकी है, होर किस तरह की दिक्कत है जिथे उत्थे अलर्ट कर दिया गया है? ऐसा सुनने में आया है कि अगर वॉर हो जाती है तो शायद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बंद हो जाए या फिर इंटरनेट कनेक्शंस ना मिले, बट ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि वॉर सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली वॉर के कारण, बट ये है कि इंडियन पेरेंट्स जिनके बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं उनको अभी पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, और उनको एम्बेसी पे मतलब रखना चाहिए कि एम्बेसी ले आएगी बच्चों को, भरोसा रखना चाहिए और अपने एजेंट्स वगैरह पे भरोसा रखना चाहिए। और अभी बात करें जिस तरह के आप बता रहे हो कि ये आपको बताया जा रहा है, कि किसने बताया आपको कि ये जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दी आपको? मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं टच में हूँ जो वहाँ पे हैं, तो उनके उनने मुझे बताया कि ऐसे 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 सिचुएशन हुआ है, और न्यूज़ में भी इवन बहुत आ रहा है। पहले सुबह तो मुझे न्यूज़ से ही पता लगा कि वहाँ बॉम्बिंग वगैरह हुई है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो उनने बताया कि हाँ उनको ऐसे आवाज़ें सुनने को आई, वहाँ बॉम्ब की आवाज़ें आ रही हैं बाहर उनको, तो ऐसे ही वहाँ पर ट्रूप्स आए हुए हैं, तो ये सब वहाँ से मुझे पता लगा। सो जानवी दे मदर भी साढ़े नाल है, असीं उन्हां तों भी जाणन दी कोशिश करते हैं। बच्ची घर आ गई है, ये तो बहुत ऐसा लगता है जैसे भगवान ने दो हाथ देकर हमें बचा लिया है, जिस हिसाब से सिचुएशन हो रही है वहाँ की। और मैं तो ये जो वहाँ बच्चे हैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी ठीक ठाक अपने घर में आ जाएं। डरे हो जी? जी जी, वो मैं डरी हुई थी, जैसे कि खबरें आ रही थी वहाँ से, तो डर तो लगता ही है, नेचुरली है। मुश्किल तो एयर इंडिया ने फ्लाइट शुरू कर दी थी, तो पैसे भी ज्यादा लगे जी, वो तो है। सो ऐसी साढ़े नाल जानवी तर जानवी दे परिवार वाले, जानवी ने जिदा दस्या कि उत्थे एक समय पानी की दिक्कत आ चुकी है, लेकिन उदे जिहड़े उन्होंने फ्रेंड टच दे विच हैगे उन्होंने नाल, उन्होंने वालों भी उन्होंने दस्या जा रहा है कि उत्थे हुण इंटरनेट की जी समस्या भी आ सकती है क्योंकि जिदा उत्थे युद्ध लग्या होया, और इस दौरान कितने ना कि उत्थे जिहड़ा लाइट की भी दिक्कत आ सकती है, जे लाइट की दिक्कत आती है इंटरनेट भी उत्थे बंद हो जाएगा। इंटरनेट बंद हो गया तो इंडियन माँ प्यो के जिहड़े बच्चे ने उत्थे गए हुए ने, भारत के जिन्हें भी भारतीय के बच्चे गए हुए हैं उत्थे उत्थे जो फस गए तो उत्थे उन्होंने टच होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हुण देखने वाली गल है कि ये जिहड़ा युद्ध है कद जिहड़ा ठल पैंदा है इहदे उत्ते, तो ये तो आने वाला समय दसेगा, लेकिन इस समय जिहड़े भारतीय लोग ने इस समय काफ़ी डरे ते सहमे हुए ने। जानवी सही सलामत घर आ गई है, उन्होंने माँ प्यो इस समय काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना तो अभिषेक बैल के संजीव कुमार, इंडिया न्यूज़ पंजाब।